ਭਾਗਕ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਆਵੇ। CAA और NRC के विरोध में देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं। संसद में पास हुए CAA और NRC पर सरकार अपना रुख साफ कर चुकी है कि इस कानून से भारतीय नागरिकों की नागरिकता को कोई खतरा नहीं। ये कानून केवल घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए है, किंतु संसद में CAA बिल पास होने के बाद भी राजनीतिक गलियारों में इसका विरोध हो रहा है। वहीं ऐसा ही विरोध प्रदर्शन देखने को मिला चंडीगढ़ शहर में स्थित मदीना मस्जिद सेक्टर 29 के सामने, जहां ट्राई सिटी ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। वहीं एक तरफ शुक्रवार को बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों को संबोधन करते हुए जब राष्ट्रपति ने अभिभाषण में कहा, माननीय सदस्यगण, भारत ने हमेशा सर्वपंथ विचारधारा में यकीन किया है, लेकिन भारत विभाजन के समय भारतवासियों और उनके विश्वास पर प्रहार किया गया। विभाजन के बाद बने माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदू और सिख जो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं वे भारत आ सकते हैं, उन्हें सामान्य जीवन मुहैया कराना भारत सरकार का कर्तव्य है। राष्ट्रपति के यह बोलते ही केंद्रीय कक्ष में जमकर मेजें थपथपाई। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों द्वारा इस एक्ट के विरोध में बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, किंतु हमारे देश में किसी कानून का अध्ययन करे बगैर क्या इस तरह से देश का अमन छीन लेना कहां तक सही है। नुमाइंदा जो है अनुराग ठाकुर जो है वो एक नारा देता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, तो मुझे ये बताइए अगर शजीत पे सेडिशन है तो अनुराग ठाकुर आज जेल में क्यों नहीं है। तो साथियों हमें ये समझना चाहिए, जब हम ये कहते हैं कि मोदी जो है वो हिटलर की औलाद है, तो हमें ये समझना होगा कि जैसे हिटलर को खदेड़ा गया था मैदान में, तो मोदी भी मैदान में ही खदेड़ा जाएगा, संसद में नहीं खदेड़ा जा सकता। तो ये लड़ाई जो है, जो लड़ाई हमारा आह्वान कर रही है कि आओ इसे लड़ो, अगर तुम लोगों को बचाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके साथ लोग रहे, तो इस लड़ाई को लड़ना होगा। और मैं आप लोगों को आह्वान करती हूँ कि आइए इकट्ठे होकर हम इस लड़ाई को लड़े। इनकलाब जिंदाबाद। जब तक जनता तंग रहेगी, जब तक जनता तंग रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। रोड पे आए और हमसे कोई सवाल ना करें, हमसे रोजगार ना मांगे, ये मंशा है इस सरकार की। अगर आप CAA को नहीं समझोगे तो आप NRC को नहीं समझ पाओगे। NRC और CAA दोनों जुड़े हुए कानून है। ये कहते हैं कि कानून में हम नागरिकता दे रहे हैं, किसी की छीन नहीं रहे। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि NRC क्या है। आसाम में सबसे पहले लागू हुई, सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया, उसमें ये कहा गया कि अगर कोई देश में गलत तरीके से लोग रह रहे हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाए, पता चल जाए कि गलत तरीके से कौन आया है, कौन यहाँ का रहने वाला सिटीजन, जेन्युइन सिटीजन है, ठीक है जी। उसके बाद वहां पे प्रोग्राम चला, 19 लाख लोगों का डी आ गया, डिफॉल्टर आ गए। क्या क्या सर्टिफिकेट लिए उन्होंने, क्या क्या कम मांगा, ऐसे ऐसी चीजें मांगी। आधार कार्ड हम नहीं मानते, पासपोर्ट हम नहीं मानते, वोटर कार्ड हम नहीं मानते, जबकि मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान का कानून कहता है कि जिसने वोट डाली है वो हिंदुस्तान का सिटीजन है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।